नमस्कार। शौर्य और बलिदान की धरती राजस्थान आज ओछी सियासत के लिए हर दिन बदनाम हो रही है। जैसे नेताओं के कारनामे होते हैं, रंग भी उसी तरह खतरे का ही होता है। लाल, अब ये लाल रंग लाल डायरी तक पहुंच गया है और राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की यह लाल डायरी आने वाले समय में राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों नेताओं को अपने लपेटे में ले इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक समय भौरी के भंवर में फंसी रहने वाली राजस्थान की सियासत के कारनामे आज लाल डायरी में लिख दिए गए हैं। सच क्या है रोने वाले जाने, फिलहाल तो नेताजी को रोते हुए देख जनता हंस रही है। बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घेंस के बाहर निकाला। मार्शल तो आए नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे, जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलियों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। नेताजी रो रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। अब ऑनलाइन फफक फफक कर रो रहे हैं तो उम्मीद भी होगी कि कोई साथ दे, कुछ सहानुभूति बटोरे। लेकिन अफसोस, उनके पार्टी के नेताओं ने भी उनका साथ नहीं दिया। जैसे राजा की जान तोते में होती थी, कहीं सीएम गहलोत की जान उस लाल डायरी में तो नहीं थी। बूढ़ा ने जिस लाल डायरी का जिक्र किया है, उसे लेकर उनका दावा है कि उस डायरी में अशोक गहलोत के कारनामे लिखे हैं। बूढ़ा ने दावा किया है कि अगर वे इस डायरी का खुलासा कर देते हैं तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री न होकर जेल में होते। इस डायरी का जिक्र बूढ़ा ने 2 महीने पहले ही किया था। तब उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 में सियासी संकट के समय सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत ने बीजेपी के किस किस विधायक को कितने कितने रुपए में खरीदा, इसके सारे सबूत उनके पास डायरी में लिख चुके हैं। बूढ़ा ने जल्द ही उस डायरी के राज खोलने की बात भी कही है। इसी बीच बीजेपी के सदस्यों ने इस डायरी के राज खोलने की मांग करते हुए सदन में भारी हंगामा कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात से है कि राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा उस दिन तो बर्खास्त नहीं हुए थे ना, जब 4 दिन पहले जोधपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। दरिंदों ने 6 महीने के मासूम तक को भी आग के हवाले कर दिया था। क्या राजस्थान सरकार के किसी मंत्री की आंखों से आंसू निकले? संवेदनहीन समाज में मौत अब बड़ी बात नहीं रह गई, क्योंकि अब तो हत्या का तरीका जितना ही विभत्स हो, हत्यारे को सुकून भी उतना ही ज्यादा मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं रह गई। आरोप है कि परिवार के जिन 4 लोगों को जिंदा जलाया गया था, उसके पहले उन पर धारदार हथियार से वार किया गया था। इसके बाद 4ों को घसीट कर घर के आंगन में लाकर आग लगा दी गई और हत्यारे मौके से फरार हो गए। नेताओं को रोते हुए देख भला जनता को कब दुख हुआ होगा? जनता भी सब जानती है कि पब्लिकली नेताओं का रोना भी फिक्स है, और वो भी तब जब उसकी कुर्सी जाती है। क्या गुढ़ा चुनाव में अपने संभावित हार देखकर नौटंकी कर रहे हैं? एक बात तो तय है कि भ्रष्टाचार की बात हो और किसी नेता पर शक न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माननीयों ने अपनी ऐसी रेपो बना रखी है कि जब भी राजनीति में कुछ निगेटिव होता है तो ये सोचने और समझने के लिए वक्त गंवाए बगैर हम यह मान लेते हैं कि अमुक नेता ने भ्रष्टाचार किया ही होगा। गुढ़ा नाराज हो गए तो हरिश्चंद्र, और सरकार से उनकी पड़ती रही तो चोर चोर मौसेरे भाई।
विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि ईडी और सीबीआई जानबूझकर उन्हें फंसाती है। विपक्षी पार्टियों पर ईडी और सीबीआई का निगाह हमेशा रहता है, ऐसा विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तब तो उनके लिए सबसे सही वक्त था। आखिर बूढ़ा ईडी और सीबीआई के पास उस लाल डायरी को लेकर क्यों नहीं चले? बूढ़ा दावे कर रहे हैं कि अगर राठौर के घर से मैं उस लाल डायरी को निकाल कर नहीं जलाता तो सीएम को मुश्किल हो सकती थी। ये बात कहते हुए क्या बूढ़ा बोल जाते हैं कि अगर वे सच बोल रहे हैं तो उन्होंने भी क्राइम को छुपाने में सहयोग किया? बूढ़ा ने जब अपने पद की शपथ ली होगी तो जनता के प्रति उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को सर्वोपरि रखा होगा। लाल डायरी को लेकर सीएम गहलोत पर लगाए जा रहे आरोपों में दम है। बूढ़ा को जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करते हुए सबसे पहले जांच एजेंसियों के पास जाना चाहिए, जनता के पास जाना चाहिए। आखिर विपक्ष भी तो इसी बात का इंतजार कर रहा है, फिर देर किस बात? उसे लाल डायरी पढ़ा दीजिए, क्या पता कल जब विपक्ष सत्ता में हो तो उसमें से कोई एक अवसरवादी हरिश्चंद्र निकल कर आएगा और आपको भी लाल डायरी पढ़ाएगा। जनाक्रोश में आपके जेहन के सुलगते सवालों को लेकर सरकार और सिस्टम से लड़ते हुए फिर मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।